हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज फ्राइडे है तो हम फिर से लेके आ गए हैं लर्न पोर्चुगीज इन हिंदी। आज मैं कुछ ऐसे कॉमनली यूज शब्दों को लेने वाला हूँ जिसे आप रोजिंदा जिंदगी में काफ़ी यूज़ करोगे। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है द बेड, यानी कि बिस्तर। पोर्चुगीज में हम कहेंगे आ कामा, आ कामा, आ कामा। तो सेंटेंस है आई लव स्लीपिंग इन माई कंफर्टेबल बेड, मुझे मेरी सुखद बिस्तर पर सोने का बहुत पसंद है। पोर्चुगीज में कहेंगे एऊ, यानी कि मैं, मुझे, और दोरू यानी कि पसंद है, और दोरू दुर्मीर, दुर्मीर यानी कि सोना, दुर्मीर ना मिया कामा, मेरे बेड पे, बिस्तर पे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी कि कंफर्टेबल। एव अदोरो दुर्मीर ना मिया कामा कुम। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द मिरर, आईना। आईना को हम कहेंगे ओ स्पेल्यू, ओ स्पेल्यू, ओ स्पेल्यू। तो चलो सेंटेंस देखते हैं। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर बिफोर लिविंग, निकलने से पहले आईने में अपने आप को देखे। ऑल यस, ऑल यस यानी देख लो। नो स्पेल्यू मतलब आईने के अंदर। आंतिश दे सईर, जाने से पहले, पहले यानी आंतिश दे सईर। ऑल यस नो स्पेल्यू आंतिश दे सईर। तो दोस्तों नेक्स्ट है सेलफोन। सेलफोन यानी कि मोबाइल। ओ सेलुलर, ओ सेलुलर, मेरा मोबाइल बज रहा है, माई सेल फोन इज रिंगिंग। मेउ सेलुलर इश्ता तो कांदू, तो कांदू यानि बजना। मेउ, मेउ यानि मेरा, सेलुलर इश्ता तो कांदू, तो कांदू यानि बज रहा है। तो कार यानि बजना, और तो कांदू यानि कि बज रहा है। मेउ सेलुलर इश्ता तो कांदू। तो दोस्तों अब है नेक्स्ट द चेयर। चेयर यानी कुर्सी, कुर्सी। आ कदेरा, आ कदेरा, आ कदेरा। प्लीज गेट अ चेयर टू सीट ऑन, कृपया बैठने के लिए एक कुर्सी ले। पुर फावोर, प्लीज, पुर फावोर। पेग ओमा कदेरा, पेग ओमा कदेरा। ले लीजिए, पकड़ लो एक कदेरा, एक खुर्ची। पारा सी सेंतार, क्योंकि आपको बैठना है। पुर फावोर पेगू ओमा कदेरा पारा सी सेंतार। तो दोस्तों नेक्स्ट है द टेबल। टेबल यानी कि मेज। पोर्चुगीज में कहेंगे आ मेजा, आ मेजा। तो सेंटेंस देखते हैं। लेट्स सीट एट द टेबल फॉर डिनर, रात के खाने के लिए हमें मेज पर बैठे। तो पोर्चुगीज में कहेंगे वामुश नोश, वामुश यानी कि चलो, नोश यानी हम सब, वी, सेंतार यानी कि बैठना, आमेजा, आमेजा, पारा जंतार, जंतार यानी कि डिनर। वामुश नोश सेंतार आमेजा पारा जंतार। तो दोस्तों नेक्स्ट है खिड़की। खिड़की यानी द विंडोज, आ जनेला। पोर्चुगीज में कहेंगे आ जनेला। ओपन द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर, ओपन द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर, ताजगी वाले हवा को आने देने के लिए खिड़कियां खोले। आब्री आ जनेला पारा देशार एंत्रार आर फ्रेश को। आब्रा, आब्री यानी कि खोलो, आ जनेला पारा देशार, पारा देशार यानी कि छोड़ दो उसको, उसके लिए, छोड़ देने के लिए। एंत्रार, एंत्रार यानी अंदर आना। एयर फ्रेश को, एयर यानी, एयर यानी एयर, और फ्रेश को यानी फ्रेश। आब्री आ जनेला पारा देशार एंत्रार आर फ्रेश। तो दोस्तों नेक्स्ट है द लैम्प। लैम्प को कहेंगे आ लाम्पादा, आ लाम्पादा। Turn on the lamp to illuminate the room.
टर्न ऑन द लैम्प टू इल्यूमिनेट द रूम, कमरे को रोशन करने के लिए बत्ती जलाए। लीगा आ लाम्पादा, लीगा यानी कि चालू करना, लीगा आ लाम्पादा पारा, क्योंकि अलुमिनार ओ क्वार्टू, रोशन करने के लिए रूम को, लीगा आ लाम्पादा पारा अलुमिनार ओ क्वार। तो दोस्तों नेक्स्ट है अलमारी, वार्डरोब, और पुर्तगीज में कहेंगे ओ ग्वार्डा रोपा, ओ ग्वार्डा रोपा। स्टोर योर क्लोथ्स इन द वार्डरोब, अपने कपड़े को अलमारी में रखे। हिंदी में अलमारी एक अलग शब्द है, लेकिन पुर्तगीज में अलमारी को ही कहते हैं डायरेक्टली कपड़े रखने की जगह, बस इसी तरीके से हम बोलते हैं कपड़े रखने की जगह पे रख दो, ऐसा अलमारी स्पेशल कोई शब्द नहीं है। ग्वार्डा सुआ रोपा, नो ग्वार्डा रोपा, अपने कपड़े जगह पे रखो, कपड़े रखने की जगह। तो दोस्तों नेक्स्ट है सोफ़ा, और पुर्तगीज में भी हम कहेंगे ओ सोफ़ा, ओ सोफ़ा। लेट सीट ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मूविंग, हम सोफे पर बैठकर फिल्म देखेंगे। वामुश नोज सेंतार न सोफ़ा ए असिस्टिर ऊ फिल्म, वामुश यानि चलो, नोज यानि कि हम, सेंतार, सेंतार यानि कि बैठना, न सोफ़ा ए असिस्टिर, असिस्टिर यानि वॉचिंग, वॉच करना, आ ऊ फिल्म, एक फिल्म, एक पिक्चर। वामुश नोज सेंतार ना सोफ़ा ए असिस्टिर आ ऊ। तो दोस्तों नेक्स्ट है रसोई घर यानी कि किचन, पुर्तगीज में कहेंगे आ कुजीनिया, आ कुजीनिया। आई लाइक कुकिंग इन माई किचन, मुझे अपने रसोई घर में खाना बनाना पसंद है। गोश टू दे कुजीनियार ना मिया कुजीनिया, गोश टू यानी कि पसंद है, दे कुजीनियार यानी कि कुकिंग, रसोई बनाना, उसे कहेंगे कुजीनियार, ना मिया, मिया यानी मेरे कुजीनिया, मेरे कुजीनिया, गोश टू दे कुजीनियार ना मिया कुजीनिया। तो दोस्तों लास्ट एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप सीरियस हो तो अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए और बार बार बोल के रिपीट करते रहिए और दूसरों के साथ में बोलने की ट्राई करते रहिए। 6 महीने में आप डेफिनेटली पुर्तगीज बोलना सीख जाओगे। और अगर ये चैनल और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों मैं हूं अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।